नमस्कार दोस्तों जय नेमान जय होम्योपैथी हमारी होम्योपैथी वाला यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है तो आज मैं आपको ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ जो एग्जाम में हर बार पूछी जाती है जो बहुत इंपोर्टेंट मेडिसिन है तो वो मेडिसिन का नाम है लेकेसिस तो आप जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन दी गई है जो आप स्किन के अंदर देख सकते हो कि उसका सोर्स क्या है कॉमन नेम क्या है फैमिली क्या है प्रूफ किसने की थी माइज़म क्या है टेम्परामेंट क्या है और इसका डाइसिस क्या है तो अब आगे देखते हैं तो जो लैकेसिस मेडिसिन है उसको पैथोजेनेसिस मतलब कि जो ये लेकेसिस मेडिसिन है वो किस सिस्टम पे ज़्यादा इफेक्ट करती है वो दिया गया है तो आप लैकेसिस इज मेक्स इट मोर फ्लूड एंड नॉन कॉन्ंगबल वी कैन से देट इट इज अ होम्योपेथ एक्सपेरिमेंट दिस इज अ पॉइंट जस्ट टू मेक इट इजी टू रिमेंबर इट अल्सो प्रोड्यूज द हेमरेजिक एज इट रेड्यूज द कोंगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड जो ब्लड के अंदर कॉन्ग्रेस प्रॉपर्टी है उसको वो रिड्यूस करता है अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं जो हमारी जो लेकेसिस मरीजिन है वो कैसे दिखती है जो उसका पेशेंट आता है वो कैसे दिखता है तो बेटर अटैप्टू थिंक इमिसे पर्सन टू फ्लेसी पर्सन टू हैव दोन चेंजेड बोथ मेंटली एंड फिजिकली बाय देर इलनेस ये हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो लेकेसिस पेशेंट आता है वो कैसे दिखता है तो उसके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आती है अब हम बात करते हैं गायरी सिम्टम गायरी सिम्टम कोई भी मेडिसिन के होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है तो हम गायरी सिम्टम की बात करते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग ग्रीप जलसी डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव लेकेसिस इट स्लिप इन टू एग्रेवेशन एंड हैज एग्रेवेशन फ्रॉम स्लिप ग्रेड सेंसिटिव मेडिसिन है वुमन हैव नॉट रिकवर फ्रॉम द चेंज ऑफ लाइफ तो ये हमारे कुछ गायरी सिम्टम हैं और हम आगे देखते हैं कुछ गाइडिंग सिम्टम तो सेंसेशन ऑफ बॉल रोलिंग इन द ब्लेडर जो ब्लेडर के अंदर बॉल रोलिंग टाइप का सेंसेशन देखने को मिलता है ब्लू और पर्पल कलर ऑफ द स्किन जो उसके जो स्किन है वो ब्लू और पर्पल कलर की हो जाती है कंजेशन इन द हेड लीड्स टू तो देड एक्ट टंग तो टंग उसके ब्लैक ट्रेमिंग लीड्स टू तो डिफिकल्टी इन प्रोस्टेशन शॉर्ट एंड स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है फेस कॉन्स्ट्रक्शन ऑल ओवर द बॉडी वो देखने को मिलता है अब बात करते हैं लेकेसिस का माइंड कैसा होता है तो ग्रेट लोकासिटी वॉन्ट्स टू टॉक ऑल द टाइम बट जम्प फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया वन वर्ड ऑफ पेन लीड्स इन टू द अनदर स्टोरी ड्रीम ऑफ स्नेक डेथ ऑफ द हिज ओवन फ्यूनल उसको स्नेक का ड्रीम आता है वॉज द सिम्टम वर्स फ्रॉम स्लिपिंग जब वो स्लिप करते हुए उसका सिम्टम वो वर्स हो जाते हैं अब बात करते हैं हेड की तो लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट बर्ड टू राइट अलॉन्ग विथ द रूट ऑफ नोज सेंसेसन एज इफ द स्कॉल वुल बस्ट टाइप ऑफ हेरक कंजस्टि कंजस्टिव टाइप का उसको हेडक देखने को मिलता है एग्रेवेशन कैसे होता है तो वो सन से और मोमेंट जब वो स्लिप करता है तब उसका एग्रेवेशन होता है एम मतलब कि उसको राहत कब मिलती है तो मैस्ट्रो तो जब फ्लो आता है तब उसको हेर के अंदर राहत मिलती है अब बात करते हैं थ्रोट के अंदर तो शॉर्ट थ्रोट देखने को मिलती है विथ टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलती है उसके साथ बिगिनिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड एक्सटेंडिंग टू राइट साइड वार्क पर्पलिश जिसके टॉन्सिल है वो डार्क पर्पलिस देखने को मिलते हैं लिक्विड आर द मोर पेनफुल देन सॉलिश विथ विथ सॉलिड इन्फॉलिंग एग्रेशन हॉट ड्रिंक और स्लिप से होती है अब बात करते हैं हार्ट तो हार्ट के अंदर कंस्ट्रक्टिव फीलिंग देखने को मिलती है कॉल्स पार्पेशन इरेग्युलर मीट देखने को मिलते हैं और ब्लूनेस ऑफ द बॉडी और साइनोसिस भी हार्ट के अंदर देखने को मिलता है तो ये कुछ हार्ट की कंप्लेन दी गई है जो लेकेसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पर्टिकुलर सिस्टम की आपको वो याद रखनी होती रखनी पड़ेगी अब बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसके अंदर है जो माउथ तो माउथ के अंदर टूथेक देखने को मिलता है पेन एक्सटेंड टू ईयर और पेन इन फेसियल बॉन जो फेसियल बॉर्न है उसके वो पेशेंट होता है उसको पेन देखने को मिलता है और सो इन ट्राइजेमिल नाउ ट्राइजेमिलर जो ना होते हैं उसके अंदर भी पेशेंट को पेन देखने को मिलता है तो ये हुई हमारी माउथ की बात जो लेकिन का पेशेंट जो कंप्लेन लेके आता है तो उसको किस टाइप का पेन देख सकते हो आप कि इसको किस टाइप का पेन दिया गया है अब बात करते हैं स्टूल तो स्टूल के अंदर कॉन्स्टिप्लेशन एनस फील्स टाइट इफ नथिंग कुड गोड थ्रू इट स्टूल दो जो उसका स्टूल होता है वो ऑफेंसिव along विथ हैमेज फ्रॉम bowels। तो उसका जो स्टूल होता है वो ऑफेंसिव देखने को मिलता है और हेमरेज फ्रॉम द ब्रोवेल देखने को मिलता है तो ये वो की बात अब बात करते हैं आगे तो फीमेल तो फीमेल के अंदर जो हैं वो रेगुलर इन टाइम देखने को मिलते हैं कैरेक्स के अंदर शॉर्ट एंड स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन विथ डार्क वाटरी ब्लड द सफरिंग ऑफ लैके इज इजली रिलीव्ड बाय द मैं और क्लाइमेट्रिक प्रबल देखने को मिलता है रिलेटेड टू मैनोपोज पेन एंड इंफ्लामेशन ऑफ लेफ्ट ओवरी के अंदर देखने को मिलता है अब बात करते हैं फीवर जो लैकेसिस के अंदर फीवर आता है वो कैसा होता है ऑफ द फीवर स्पेशली इन द स्प्रिंग आफ्टर सफ्रेश बायिंग ऑन द प्रीवियस ऑटोनमी आप एक फीवर दिया गया कि इंडिकेटेड इन टाइफॉइड और टाइफस हॉलिंग ऑफ लोअर जो ट्रैमलिंग भी इसके अंदर देखने को मिलता है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट में बता दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी होम्योपैथी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मॉडलिटी दी गई है कि aggravation किससे होता है और amelioration कैसे किससे होता है तो हमारी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको किस मेडिसिन पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों